मायावती का विकल्प बन सकता है चंद्रशेखर। दलितों के बीच पकड़ बनी मजबूत। रावण की मजबूती से टूटेगी माया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की धार, उसकी सियासी रफ्तार अब तेज है। इसे यूपी की सियासत को नजदीक से समझना बखूबी आता है। उसकी स्वीकार्यता बढ़ती ही जा रही है। दलित जनता के बीच अपनी पैठ मजबूती के साथ बढ़ाता ही जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती इस बात से बखूबी वाकिफ है। शायद इसलिए चंद्रशेखर आजाद से गाहे बगाहे दूरी बनाती रही, जबकि रावण मायावती के नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी इस कोशिश पर हमेशा विराम लगाती रही। कई वाक्य हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मायावती नहीं चाहती कि चंद्रशेखर के राजनीतिक कद में बढ़ोतरी हो। सहारनपुर हिंसा के वक्त मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया था, लेकिन जो सपोर्ट रावण को मायावती की ओर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने तब रावण को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला था। अब भी वो मानती हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो इतना तो जानती हैं कि कहीं ना कहीं रावण के विचार दलितों के बीच अपने पांव पसार रहे हैं। बावजूद इसके रावण मायावती के आशीर्वाद को पाने के लिए बेकरार रहे। 2019 के महासंग्राम के शुरू होने के साथ ही ये दिखाई देने लगा था, लेकिन मायावती तो अपने स्टैंड पर कायम रही। रावण जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तो भी मायावती का दिल नहीं पसीजा। रावण मायावती की रट लगाते रहे, वो नहीं आई। आई तो सिर्फ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। उन्होंने रावण से मुलाकात की, बात की, कयासों का बाजार गर्म हुआ। सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी कि भीम आर्मी सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि चंद्रशेखर मोदी के खिलाफ काशी में उम्मीदवार के तौर पर खुद को उतारना चाहते थे, इसके लिए गठबंधन की तरफ से सपोर्ट चाहते थे, लेकिन उनकी ओर से सपोर्ट नहीं मिला और चंद्रशेखर की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। इधर मायावती अपने विकल्प के रूप में भतीजे आकाश आनंद को तवज्जो देने लगी। दलितों को शायद ये बताने की कोशिश में जुड़ गई कि उन्होंने दलितों के अधिकार की बात उठाने के लिए अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर ली है। आकाश आनंद ही अगली पीढ़ी है, लेकिन जनता की अपनी सोच होती है, ये शायद मायावती भूल गई। अपने विवेक और विचार होते हैं ये भी भूल गई। 2019 की महाभारत में चंद्रशेखर आजाद की सोच ने दलितों में अपनी पैठ बनाई है। दलित उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी की सियासत में आजाद उभर और निखर रहे हैं? क्या दलितों के बीच उनकी पैठ मजबूत होती जा रही है? और क्या रावण के काट के तौर पर ही मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया? सवाल कई हैं, शायद मायावती भी जवाब ढूंढ रही है।